एंड एस यूनानी फार्मेसी फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्ना ज्वेल्स, शाली बंडा, हैदराबाद। कल 1 बजे के अंदर हबीबनगर पुलिस का जो इन्फॉर्मेशन आया था, एक आदमी मेफिंट्रामाइन जो टैबलेट है वो टैबलेट्स बेच रहा है, उन्होंने इंजेक्शन सोल्ड कर रहा है बोल के जो इन्फॉर्मेशन में हबीबनगर पुलिस वो आदमी को गिरफ्तार करे। उनका जो कन्फेशन था वो कन्फेशन के ऊपर उनके पास 10 वायल्स जो इंजेक्शंस है वो रिकवरी करे, एक सेलफोन और 1000 रुपीज़ उनके बरामद करे। इसमें क्या है बोले तो, ये आदमी जो अरशद बोल के जो बच्चा है उन्होंने पैरामेडिकल स्टूडेंट है चंद्रनगुट्टा में, ये ऑपरेशन थिएटर ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल में उन्होंने काम कर रहा है, लास्ट 9 मंथ से उन्होंने काम कर रहा है। उन्होंने जो ऑपरेशन थिएटर में जो ये इंजेक्शन है जो इमरजेंसी में यूज़ होता है, किसका भी ब्लड प्रेशर कम है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए कार्डियक स्टिमुलेंट जैसा ये यूज़ होता है। उन्होंने जो क्या काम कर रहा है बोले तो, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में जो रिक्वेस्ट लगाते हैं मेडिकल शॉप को इतना होना है, उन्होंने एक्चुअल से ज़्यादा ऊपर उन्होंने रिक्वेस्ट मांगा के वो डाइवर्ट करके उन्होंने चोरी करके वो बाहर भेज रहा है। इन्होंने लास्ट 8 मंथ्स से ये काम कर रहा है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ 10 to 12 पीपल को उन्होंने अभी तक उन्होंने कॉन्टैक्ट में है, वो लोग रेगुलर उनसे कॉन्टैक्ट में आके ले रहे हैं। अभी तक उन्होंने हमारा इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में 50 इंजेक्शन तक उन्होंने मार्केट में लोगों को दे चुके हैं। इसका क्या है बोले तो, इंजेक्शन ये एच शेड्यूल ड्रग है, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिकल शॉप वाले नहीं। इसमें क्या है, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल में जो मेडिकल शॉप है उन्होंने जो रिक्वेस्ट मेडिकल डॉक्टर से होना है उन्होंने विदाउट डॉक्टर से नहीं, उन्होंने जो ऑपरेशन थिएटर में जो काम कर रहा है उनका रिक्वेस्ट पे दे रहा है। वो ऑलरेडी ड्रग इंस्पेक्टर बोल चुके हैं, वो लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये बाहर आने के बाद इसका नतीजा क्या है बोले तो, ये ड्रग है, ये इंजेक्शन है, ये लोग क्या है जो यूथ है इसको अडिक्ट हो गए। ये इंजेक्शन क्या है बोले तो, ये कार्डियक स्टिमुलेंट है। आपको एक बार लेने के बाद क्या है, आपको एनर्जी आया जैसा दिखता है, फुल एनर्जी है, यूफोरिया फीलिंग होता है, स्टिमुलेंट जैसा दिखता है, एनर्जी दिखता है। इसमें क्या है लोगों को क्या है बोले तो, ये जिम में यूज़ करें तो हमारी ताकत बढ़ जाती और कुछ जिम कर सकते बोल के, मगर थोड़ा लोग हम जो अभी इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ बगैर जिम जाने वाले छोड़ के बाकी का लोग भी ले रहे ये कई को ले रहे बोल के हमारा इन्वेस्टिगेशन मालूम करे थे। लोग क्या है खाली ये फीलिंग हो जाता क्या है बोले तो, ये यूफोरिया फीलिंग आता और एक स्टिमुलेंट है ना, ये स्टिमुलेंट के हिसाब से उनको ऐसा फीलिंग होता, अच्छा हो मन बोल के फीलिंग होता। वो एक बार लेने के बाद क्या है ये एडिक्टिव हो जाता, एक बार नहीं लिए तो उन्होंने डिप्रेस में हो जाता, ये एडिक्टिव है। ये लोग क्या है रेगुलर लेना पड़ रहा है, ये लोग इनको कैसे कर रहे बोले तो, रात में 1 बजे भी फ़ोन करके हमारे कौन है अभी बोल के इनको प्रेशर कर रहे हैं बोले तो, ये एडिक्टिव है। एक बार लेने के बाद क्या है उनको रेगुलर लेना ज़रूरी होता है, ये लेने तो रेगुलर लिए तो क्या है पूरा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, पूरा थायराइड आ जाता है, सब प्रॉब्लम्स उनका लाइफ में पूरा, उनका एज 40 ईयर्स में उनका जो भी प्रॉब्लम उनका लाइफ टाइम चले जाता है। ये ड्रग बहुत इफेक्टिव है, ये यूज़ नहीं करना है, मगर बच्चे जो है आजकल वो लोगों को मालूम नहीं हो रहा है क्या लेना है क्या नहीं लेना है, खाली ये एडिक्टिव जैसा यूज़ कर रहे हैं। जो पेरेंट्स है वो लोग भी देखना है बच्चा क्या कर रहा, क्या काम कर रहा, कैसे बिल्डिंग मसल बिल्डिंग बना रहे, क्या कर रहे हैं वो पूरा देखना है। जो एडिक्टिव है वो भी बच्चों को जो एडिक्टिव हुआ वो लोग भी पेरेंट्स थोड़ा ऑब्जर्व करके वो लोगों को डी एडिक्शन कराना है। इसमें जिम को जाने वाले कितने जन हैं? बाकी का लोग कोई जिम जाने वाले नहीं है, अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन और बाकी करना है। इंजेक्शन का जो लेने का 300 रुपीज़ इंजेक्शन है, एक्चुअल 300 रुपीज़ में वो लोग, मगर ये नो 1000 से 1200 तक जब डिमांड है तो भेज दे रहा है। पावर कब तक उनको 5-6 घंटे रहता है, उनको एनर्जी फील हो जाता है, उनका पूरा एनर्जी फील हो जाता है उनको रहता है। कुछ भी केस नहीं, स्टूडेंट है, कुछ भी फ्रेश है,
उनको उसका नतीजा क्या है, उनका क्या है मालूम नहीं। मगर उन्होंने जो काम कर रहा है उनको मालूम नहीं है, इतना इफेक्ट होता है उनका जिंदगी बाकी का जिंदगी कैसे होता है उनको मालूम नहीं, उन्होंने क्या कमाना है। इन्होंने विजयनगर में रहता है, एक आदमी से एक आदमी ऐसी है, एक आदमी पहले इरफान बोल के बच्चा है, उन्होंने करीब अरे तुम काम करते ना एक देख के दिलो, उन्होंने देने के बाद 10 आदमी को बोल के ऐसा ऐसा वो पूरा मार्केट में मालूम हो के फोन करना। मेडिकल शॉप वालों के लिए क्या है साहब आपका मैसेज? मेडिकल शॉप वाले जो भी है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं भेजना है, ये सीरियस ऑफेंस है, आपका शॉप सीज हो जाता। ये ड्रग वाले भी वो लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी, ये जो भी विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो लोग भेजना नहीं, ठीक है।